नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले शहर पे मिसाइल हमले तेज कर दिए। 8 महीने के कब्जे के बाद 2 हफ्ते पहले रूस के शहर से हटने के बाद हमलों में वृद्धि चिन्हित की गई। शुक्रवार को दूसरे दिन के लिए हाल ही में मुक्त किए गए शहर खेरसोन पे मिसाइलों की बौछार हुई। ऑस्ट्रेलिया हत्याकांड का संदिग्ध 4 साल बाद भारत में गिरफ्तार। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट पर एक महिला की हत्या के मुख्य संदिग्ध को नई दिल्ली के बाहर इलाके में 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के इनाम के साथ लक्षित करने के 3 सप्ताह बाद गिरफ्तार कर लिया। इंडोनेशिया में भूकंप में और अधिक शव मिलने से मृतक की संख्या 310 पहुंची। इस सप्ताह की शुरुआत में इंडोनेशिया के जावा द्वीप में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 310 हो गई, जब बचाव दल को भूस्खलन के नीचे शव मिले। एक अधिकारी ने कहा कम से कम 24 लोग लापता है। ग्रीस, प्रवासी नाव चलाने के संदेह में 7 मिस्रवासी गिरफ्तार। ग्रीक अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने लगभग 500 प्रवासियों से भरी एक मछली पकड़ने वाली नाव के चालक दल के होने के संदेह में मिस्र के 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जो क्रेट से तेज हवाओं में खो चुके थे और इस हफ्ते की शुरुआत में बचाव का एक बड़ा प्रयास शुरू कर दिया था। अल्बेनिया में करीब 0.5 टन कोकेन जब्त, 10 गिरफ्तार। अल्बेनिया के भ्रष्टाचार और संगठित अपराधस्थों ने कहा कि 24 टन उर्वरक के शिपमेंट में कोकीन छिपाए जाने के बाद 10 अल्बेनियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्वचलित राइफलें, गोला बारूद और नकदी भी बरामद। वेतन को लेकर 1000 से अधिक ब्रिटिश रेल सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। निजी ठेकेदारों से RMT बेहतर पेंशन, कंपनी बीमार वेतन और अवकाश पात्रता के साथ प्रति घंटे 15 पाउंड तक बढ़ाने के लिए कह रहा है। घातक आग के बाद पश्चिमी चीन में कोविड लॉकडाउन का विरोध शुरू हो गया। चीन के सुदूर पश्चिमी झीजियांग क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भीड़ ने खतरनाक आग के बाद उनके लंबे समय तक कोविड-19 लॉकडाउन पर गुस्से में आग लगाने के बाद भीड़ के अनुकूल गार्डों पर चिल्लाया, क्योंकि राष्ट्रव्यापी संक्रमण ने एक और रिकॉर्ड बनाया। शुक्रवार की रात चीनी सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार भीड़ ने लॉकडाउन समाप्त करे का नारा लगाया। चीनी जासूसी के डर से अमेरिका ने हुआई ZTE उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। बिडेन प्रशासन ने चीन की हुआई टेक्नोलॉजीज और ZTE के नए दूरसंचार उपकरणों के अनुमोदन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वे अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करते हैं। रूस के तेल पर मूल्य सीमा को लेकर यूरोपीय संघ विभाजित हुआ। अमेरिका के मना करने के बाद भी विरोध। यूरोपीय संघ की सरकारें गुरुवार को इस बात पर असहमत थी कि रूस के तेल की कीमतों को किस स्तर तक सीमित किया जाए, ताकि यूक्रेन में वैश्विक तेल आपूर्ति को नुकसान पहुंचाए बिना यूक्रेन में अपने परिचालन को वित्त पोषित करने की क्षमता पर अंकुश लगाया जाए। चीन, PLA नेवी के दूसरे टाइप 055 बेड़े डिस्ट्रॉयर शिप अनशन ने परिचालन क्षमता हासिल की। सुदूर समुद्री मिशन के लिए तैयार। विशेषज्ञों ने कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना की एक अन्य प्रकार 055 बेड़े डिस्ट्रॉयर शिप अनशन ने हाल ही में एक स्वीकृत परीक्षण पास करने के बाद परिचालन क्षमता हासिल कर ली है। यह दर्शाता है कि 10,000 टन वर्ग का युद्धपोत दूर के पानी में यात्रा के लिए तैयार है। चीन ने पहले हाई थ्रस्ट रीयूजेबल तरल ऑक्सीजन केरोसिन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने शनिवार को 130 टन के पुनः प्रयोज्य तरल ऑक्सीजन केरोसिन माध्यमिक दहन चक्र इंजन के 2 शुरुआती परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए। ब्राजील के स्कूलों में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 13 घायल। दक्षिण पूर्व ब्राजील के 2 स्कूलों में शुक्रवार को एक पूर्व छात्र ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल से लैस और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और 13 को घायल कर दिया।